कमाल अख्तर ने बिजली बिल माफी को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप कर अपनी कुछ मांगें जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि पूर्ण लॉकडाउन के समय सभी कॉटन वेस्ट ढोलक आदि उद्योगों एवं किसान दुकानदार में सभी घरेलू कनेक्शनों के बिल सरकार द्वारा माफ किए जाएं। विद्युत विभाग द्वारा चेकिंग के नाम पर किसानों एवं गरीबों का उत्पीड़न बंद किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की सिंचाई के समय को देखते हुए विद्युत विभाग द्वारा 18 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जाए। लोगों के बिल सही करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा विशेष काउंटर की व्यवस्था की जाए। समाजवादी पार्टी के समस्त में प्रस्तावित 220 केवी का बिजली घर चचौरा का कार्य तुरंत चालू कराया जाए। रेहरा में 132 के बिजली घर का निर्माण कराया जाए, जिससे 33-111 केवी बिजली घरों को समय से विद्युत आपूर्ति मिल सके। अगर सरकार द्वारा इन बिंदुओं पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा जन आंदोलन करने को विवश होगी। ज्ञापन देने वालों में संदीप गुर्जर, अंशु त्यागी, यूसुफ कुरैशी, फैसल अलवी, विकी अब्बासी, बदर कुरैशी, शाहनवाज अंसारी, आरिफ अख्तर, भानु प्रताप, जफर जुरीद आदि मौजूद। आज आप यहाँ पर आने का मामला 24 तारीख को केंद्र सरकार द्वारा जब पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे जनपद के अंदर भी सभी उद्योग धंधे, चाहे कॉटन वेस्ट का उद्योग हो, ढोलक उद्योग हो, जो दुकानदार थे या जो, सारी गतिविधियां बंद हो गई। उसके साथ साथ लोगों को बेरोजगारी, लोगों को काम धंधा सब चौपट होने के बाद आर्थिक तंगी का उन लोगों को सामना करना पड़ा। अब बिजली विभाग द्वारा इतने बड़े बड़े बिल लोगों को, दुकानदारों को दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मांग करी है कि जो बिजली के बिल 4 महीने लॉकडाउन का समय था उसको ख़त्म कर दिया जाए, या जो बिल है जो आज दिया जा रहा है, सब लोग जानते हैं कि 100 यूनिट का अगर बिल है, गरीब आदमी से बिजली विभाग एकदम लूट पर उतारू है, क्योंकि 100 यूनिट का बिजली का बिल जो है वो 3.5 रुपये के हिसाब से चार्ज होता है। अगर 100 यूनिट से ज़्यादा का बिजली का बिल होगा तो वो 7.5 रुपये के हिसाब से यूनिट होगा, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बिजली विभाग द्वारा हर महीने बिल नहीं दिया गया, एक साथ 4 महीने का बिल दिया जा रहा है, तो 7.5 रुपये चार्ज किया जा रहा है, वो सीधा का सीधा 3,000-3,500 रुपये का, 5,000 रुपये का गरीब लोगों को बिल जा रहा है, जो उनके साथ नाइंसाफी है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि पहले तो जो भी कॉटन वेस्ट के कारखानों में जो 4 महीने बंद रहे, जो ढोलक कारोबार बंद रहा, जो यहाँ के उद्योग धंधे बंद रहे, किसान की जो सिंचाई नहीं हुई या दूसरी चीज़ें जो बंद रही हैं, जो दुकानें बंद रही हैं, उन सब का 4 महीने का बिल जो है माफ़ किया जाए, सरकार माफ़ करे, या कम से कम उनको इतने राहत देने का काम करे कि जो 7.5 रुपये पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली दी जा रही है, ऐसे मिनिमम चार्ज करके उन लोगों से बिल लिया जाए। दूसरी हम लोगों की मांग है कि आज सिंचाई का समय है, किसान, गरीब किसान 2-3 घंटे बिजली मिल रही है, उसकी फसल चौपट हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली दी जाए। जो चचौरा 220 का बिजली घर समाजवादी पार्टी के समय प्रस्तावित किया गया था, ज़मीन एक्वायर हो गई लेकिन अभी तक बिजली घर पर काम नहीं हुआ, उसे तुरंत चालू किया जाए। रेहरा के अंदर 132 का बिजली घर तुरंत बनाया जाए, जिससे वहाँ लोगों को सहूलत मिल सके। और दूसरी समस्या ये है कि चेकिंग के नाम पर जिस तरह से आज बिजली विभाग के आदमी वसूली के नाम पर जिस तरह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं गरीब किसानों के, गरीब लोगों के, और उन्हें उत्पीड़न किया जा रहा है बिजली विभाग का, उसे तुरंत रोका जाए। यदि ये सब नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन इस बिजली विभाग के खिलाफ और बिजली के खिलाफ चलाने का काम करेगी।